जिसने इस देश को अपना देश चुना और उन्होंने कहा मुझे पाकिस्तान नहीं जाना है। उस मुस्लिम आबादी के लोगों ने कहा कि नहीं, मेरे लिए भारत ही ठीक है, वो इस देश में रहे। जब पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान अलग अलग दो देश बन गए तो पाकिस्तान में 14% मुसलमान बच, वो हिंदू बचे, हिंदू, जैन, सिख, पारसी, ये विभिन्न मतों के मानने वाले, और बांग्लादेश में 8% लोग बचे। तो जो तत्कालिक आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों के आधार पर ये सरकार ने सिद्ध किया और सब जगह वो नेट पर भी उपलब्ध है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक थे माने हिंदू, जैन, सिख, पारसी, उनकी संख्या में थोड़ी कमी आई, लेकिन बांग्लादेश ने अपने अल्पसंख्यकों को बचाया। इसके विपरीत पाकिस्तान में जो हिंदू, जैन, सिख, पारसी, बौद्ध अल्पसंख्यक थे जिनकी आबादी 14% से थी, वह घट करके 1.6% बची, 1.6%। और कहते हैं कि कराची जैसा शहर जिसमें किसी समय हिंदू आबादी, जैन, सिख, पारसी आबादी 80% से ऊपर थी, वह आज शून्य, एक भी व्यक्ति कराची में किसी दूसरे धर्म का मानने वाला नहीं बचा। तो कहां चले गए वो? तो फिर सामान्य रूप से कहते हैं कि या तो उन्हें धरती निकल गई या आसमान निकल गया, गए कहां लोग, खत्म हो गए। और जब उन्हें ढूंढा गया तो उनमें से कुछ प्रतिशत लोग भारत में किसी न किसी रास्ते से रख करके आ गए। तो वो आए गुजरात में, वो आए राजस्थान में, वो आए दिल्ली में, और जो कुछ दूसरे रास्ते से आए तो वो आए आसाम में, और सेवन सिस्टर्स माने सेवन स्टेट्स, पूर्वोत्तर के 7 प्रांत हैं जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, आसाम है, उसमें यहां पर आकर के अपना सब घर बार छोड़ करके रुक गए। तो भारत सरकार ने पिछले साल माने पिछले 1 महीने पहले अपने यहां माने भारत की संसद ने एक कानून पास किया कि 31 दिसंबर 2014 से पहले, आज नहीं, 31 दिसंबर 2014 से पहले ऐसे अल्पसंख्यक प्रताड़ित लोग जो अपने देश में अल्पसंख्यक थे, तो किन देशों में? अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, वहां के बहुसंख्यक समाज के द्वारा उन्हें पीड़ा मिली है और वह अपने देश से भाग करके भारत में आ गए हैं, तो 31 दिसंबर 2014 तक आए हुए सभी लोगों को भारत की नागरिकता, भारत का जो संविधान है उसमें एक कानून बना, सिटीजनशिप कानून 1955 के तहत उसने इनको नागरिकता दी जा रही है, क्योंकि ये भारत के अंदर उपस्थित है, भारत के संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, इसी देश में है, मजदूरी कर रहे हैं लोगों के यहाँ। और एक बात और है कि ये जो लोग मूव करके आए ये कोई बहुत मजबूत लोग नहीं है, इनका जो आंकड़ा है इसमें बहुसंख्यक, बहुत अधिक संख्या में वे दलित लोग हैं जो अपना धर्म नहीं छोड़े, अपने को उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया, अपनी बहु बेटियों की इज्जत बचाते हुए भारत आए, क्योंकि बहुसंख्यक समाज की ये अवधारणा है कि वो अल्पसंख्यक को बर्दाश्त नहीं करता। भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, मुस्लिम अल्पसंख्यक है, और भारत में जो आबादी 14% थी आज की डेट पर वो है बढ़ करके, माने एक तरह से माना जाता है कि जब देश आपका बंटवारा हुआ था उस समय इस देश की आबादी 35 करोड़ थी। कितनी थी? 35 करोड़। आबादी में 7 करोड़ मुस्लिम थे, आज उनकी आबादी बढ़ करके 22 करोड़ है, जबकि हमारे पड़ोस में वहां पर जो अल्पसंख्यक हिंदू थे, जैन थे, बौद्ध थे, वो 14% से घट करके कितने हो गए? 1.6। तो सरकार ने एक कानून पास किया और कहा कि ऐसे लोग जो 31 दिसंबर 2014 से पहले इस देश में किसी भी वैध अवैध रास्ते से घुस करके आ गए हैं और ये
इन छह धर्मों को मानने वाले हैं, हिंदू धर्म को, जैन धर्म को, सिख को, बौद्ध को, पारसी को और ईसाई धर्म। उन्होंने एक धर्म छोड़ दिया, वो था मुस्लिम। लड़ाई इसी बात की है जो आंदोलन हो रहा है कि मुस्लिमों का कहना है उनके समर्थकों का, वो तो वहीं पर है कि जो मुस्लिम भी वहां से भग करके आए उन्हें भी आप नागरिकता दे दो। सरकार का कहना है कि जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ तो वे तो वहां बहुसंख्यक है, वो भारत में क्यों आएंगे? और अगर कोई आ भी रहा है, कोई मुस्लिम अगर चाहता है कि मुझे पाकिस्तान में नहीं रहना है, भारत में रहना है, तो वह भारत में आए, हम उसको जो 1955 का कानून है उसके तहत हम नागरिकता देंगे। अगर कोई मुस्लिम आना चाहता है हम उसको नागरिकता देंगे। और भारत ने नागरिकता दी। आप सभी ने एक सिंगर का नाम सुना है, अदनान सामी, सुना है ना? कुछ लोगों ने नहीं सुना, आवाजें नहीं आई। अरे अदनान सामी देखो जरा, निकालो कहां है अदनान सामी। ये अदनान सामी है और इन्होंने, इनका पाकिस्तान के लोगों के साथ नहीं बन पा रहा था, बहुत अच्छे सिंगर है, तो इन्होंने भारत से नागरिकता मांगी और भारत ने इन्हें नागरिकता दे दी। इसी तरह एक तस्लीमा नसरीन है, जरा उनको उनका ये है, आपके डेट पे वजन घटाने के बाद अदनान सामी लगभग 80 किलो के हैं। तस्लीमा नसरीन, ठीक है, उस सर्च का तो आप नीचे लगा दो। ये हैं तस्लीमा नसरीन, ये एक बहुत अच्छी राइटर है। राइटर क्या है? आप ये मानिए कि जैसे हिंदू धर्म में बहुत से लोग, आप ये जानते हो, एक होता है दक्षिण पंथी, एक होता है वाम पंथी, राइट फॉलोअर्स और लेफ्ट फॉलोअर्स। एक होते हैं परंपरावादी और दूसरे होते हैं मॉडरेट। मॉडरेट माने साथ हम जींस भी पहनेंगे, टी शर्ट भी पहनेंगे, और एक कहते कि नहीं तुमको धोती पहननी है, और तो दूसरा कहता कि नहीं मुझे धोती नहीं पहननी है, तुम मुझे जबरिया नहीं पहना सकते हो, अर्थात मैं अपने को मॉडर्न शो करता हूँ। ये है तस्लीमा नसरीन, ये बांग्लादेश की एक बहुत प्रख्यात लेखिका है। जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ा कि नहीं तुमको पूर्णतः मुस्लिम लिबास में रहना है, तो इन्होंने कहा नहीं अब मुझे साड़ी ही पहननी है। तो इनके देश के जो हॉट एक्सट्रीमिस्ट माने धर्म को कठोरता से मानने वाले लोग थे, वो इनके पीछे पड़ गए और इनके लिए फतवा जारी हो गया कि तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। तो ये बांग्लादेश से इन्होंने भारत में शरण मांगी और ये भारत में आई और भारत ने इनको नागरिकता दे दी कि नहीं तस्लीमा नसरीन आपको जीने का अधिकार है और आप भारत में रहिए।